ये इधर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 1 किलो का डब्बा है लगता है। ये पता नहीं कौन भेजा है काजू कतली, सूरज ने रखा है अंदर और मेरी नज़र गई अभी। यार मेरे को डायबिटीज़ है और ये मेरा फेवरेट मिठाई है काजू कतली। क्या करूँ, क्या खाऊँ कि नहीं खाऊँ, खाऊँ कि नहीं खाऊँ। अभी दे दिया है तो खा लेती हूँ। ये येलो वाला कौन सा फ्लेवर होता है गाइस? केसर होता है। खा लो कपा। यम्मी है गाइस, ये बहुत डेंजरस है क्योंकि मेरा फेवरेट है। ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर डॉक्टर मुझे झापड़ मारेगा। मैं ना यूजुअली गाइस जेप्टो से मंगाती हूँ और आज पता नहीं उसके ऐप में क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से थोड़ा सा बेसिक ग्रॉसरी मंगाया है, मतलब बेसिक फ्रूट्स और वेजीज और चिकन। ये मुझे ना रेड पेरू मिला, वो मैंने एक ले लिया है। टमाटोज गाइस, यहाँ पे ना हम लोग के घर के नीचे काफ़ी अच्छा मार्केट है, लेकिन सीन ये है कि इतना सारा सामान मैं उठा नहीं सकती हूँ। पता नहीं मैंने आपको बताया था क्या, नहीं, मेरा एक छोटा सा रिस्ट का ऑपरेशन हुआ है दोनों रिस्ट में और मुझे वज़न उठाना मना है, तो मैं ज़्यादातर आइटम्स ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। जब हम लोग जा रहे होते हैं तभी हम लोग ले लेते, तो मैंने चिकन मंगाया है। एक्चुअली हम लोग चिकन, हमारा एक शॉप वाला है वो देता है, इमरजेंसी में हम लोग पैकेट चिकन्स मंगा लेते हैं तो ये भी फ्रेश होता है। चिकन्स मंगाया, ऑनियन मंगाया, टमाटोज, ये लहसुन है और वो भी चिकन का ड्रमस्टिक है, कोरिएंडा है, ऑरेंज मंगाया मैंने नागपुर और ये रेड पेरू। ये काजू कतली जो है ये सूरज के एक फ्रेंड को बेबी हुआ है, बेबी बॉय, तो उसने भेजा था। और ऐसा बास्केट मैंने डीमार्ट से लिया था फ्रूट्स रखने के लिए, ये काफ़ी इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। और मैंने मंगाया था नागपुर ऑरेंज, जैसा ही मैंने बोला मैंने रेड गोवा मंगाया था। एक्चुअली गाइस इसको ना लोकल मार्केट से कंपेयर करेंगे ना तो फ्रूट्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं, ऑनलाइन थोड़ा महंगा हो जाता है। तो ऑफिस केस में ना गाइस टाइम नहीं मिलता है, और मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ ना तो उसमें तो डेफिनेटली कुछ भी टाइम नहीं मिलता है। पूरा ऑपोजिट टाइम में मैं उठती हूँ, ऑपोजिट टाइम में मैं जाती हूँ, तो फ्रूट्स ऐसे मैं बास्केट में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये इजीली निकालना हो तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। ये भी रख देंगे, सब स्टॉक होता है गाइस मेरे पास, ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी कोई स्टॉक नहीं है। टमाटोज एक्चुअली है लेकिन थोड़े कच्चे हैं, तो मैंने इसके लिए थोड़े से पके हुए टमाटर्स मंगा लिए थे। इसका कटिंग मैं बाद में कर दूंगी। कोथमीर भी मैंने एक्स्ट्रा मंगाया था क्योंकि पहले वाला ख़त्म होने वाला है। और मेरे गरम मसालास वगैरह डीप फ्रीज़र में ही होते हैं, यहाँ पे कॉर्न और पीज वगैरह है, इसमें भी फिश है। अभी ये ड्रमस्टिक के लिए जगह मुझे बनाना पड़ेगा, चलो मैं इसको बना के मिलती हूँ। ये देखिए मैंने जगह बना दिया है, ये थोड़ा सा था। मैंने ना ये 1 kg का ये ड्रम नहीं लिया क्योंकि हाफ ऑफ kg है ना, इजीली यहाँ पे फिट हो जाते हैं। चलो लहसुन भी मैं छिला हुआ लेती हूँ गाइस, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है यार छीलने के लिए। मिलता है लेकिन ऑफिस के खाए गए में सब रेडी मैं रख देती हूँ। ये ख़त्म होने वाला है, ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये इधर डाल दूँगी। चिकन मैंने 1 kg मंगाया था, हाफ kg अभी मैं थोड़ा सा सूखा चिकन बना दूँगी, ड्राई मतलब, और बाकी हाफ kg मैंने फ्रिज में रख दिया है। एक्चुअली मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, जैसे मैंने आपको बोला था ना मुझे बुखार है, तो मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा सो गई थी तो मैं लेट उठी हूँ और अभी डिनर के लिए मैं ये बनाऊँगी।
यहाँ पे मैंने क्विक चिकन ग्रेवी बना दिया है, ये सिर्फ डिनर के लिए है। और यहाँ पे राइस भी रेडी है। पीने का पानी ख़त्म हो गया था, हम लोग बॉयल पानी पीते हैं गाइस, तो मैंने पानी भी बॉयल कर लिया है। तो चलो अभी डिनर करते हैं, फिर देखते हैं सो जाएंगे। The next day. Hi guys, कैसे हो आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे। आज सैटरडे है और मैं आपको फुल रेडी दिख रही हूँ। एक्चुअली अभी करीबन शाम के मेरे ख्याल से 8:15 हो रहा है, अजान भी हो रहा है। बाजू में मुस्लिम लोकेलिटी है और 2-3 मस्जिद भी है तो, और मंदिर भी है, तो टाइमिंग का ये हो रहा है 8:10, 8:15 हो रहा है। तो बस मैं रेडी होके आप लोगों को मिल रही हूँ। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर, मेरा थोड़ा सा मूड थोड़ा ऑफ है, तो मैंने सूरज को बोला कि जस्ट टेक मी आउट समवेयर, आई जस्ट नीड टू रिकलेक्ट माई माइंड। एंड वो वीकेंड ही होता है जब आप काम का पूरा स्ट्रेस छोड़ के आप यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली एंड देन यू फील गुड एंड यू टेंड टू रिवाइव ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम द अदर एनवायरनमेंट एंड जस्ट गिव दीज 2 डेज सैटरडे एंड संडे टू योर सेल्फ। सो हम लोग अभी डिनर के लिए जा रहे हैं, मुझे सूरज का कॉल आ गया था, वो बाहर गए कुछ मीटिंग के लिए, तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैं उनका वेट कर रही हूँ अभी। तो बस इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं करेंगे आज, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू रिलैक्स हैव फन, हैव सम ड्रिंक्स एंड बस, और कुछ नहीं। कुछ होगा तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करती हूँ। तो ये गोरेगांव आरे कॉलोनी करके एक जगह है जो जंगल का एरिया है, उसके अंदर ये एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर हम लोग आए हैं। चलो चलते हैं। ऐसा है इसका एंट्री, सो ऐसा दिखता है ये ओपन रूफटॉप। ये एक सेक्शन है जो स्मोक जोन है, और वहाँ पर भी है एक सेक्शन अंदर, और यहाँ पर फैमिली सेक्शन है अंदर। वी लव दिस प्लेस गाइस। और हम लोग रुके हैं, हम लोग का ड्रिंक्स तो आ गया है, हम लोग अभी चखने के लिए रुके हैं। तो गाइज अभी हम लोग आ गए रेस्टोरेंट में और हमने ऑर्डर कर दिया है, और ये ऐसा होता है। चीयर्स गाइज, जो नहीं पीता है आप लोग स्किप कर सकते हो। सूरज ने प्रॉन्स घी रोस्ट ऑर्डर किया, लेकिन यहाँ का घी रोस्ट कुछ अलग ही है। हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था, ये चना चाट है, सैलेड है, पेरी पेरी फ्राइज, बॉइल पीनट्स। मेरा मूड है ना बहुत खराब चल रहा है, और मैं ना थोड़ा रिलैक्स होने के लिए मेरा फेवरेट वाइन पेरी पेरी फ्राइज। चीयर्स वंस अगेन। I'm not afraid to die.